नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पद्मावती फिल्म में धार्मिक भावनाएं भड़काने पर छिड़ी बहस के बीच मध्य प्रदेश के सागर में हुए एक वाकये ने एक बार फिर इस बहस को आगे बढ़ा दिया है। यहां एक शख्स को फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने पर पुलिस ने जेल भेज दिया। इस प्रकरण ने धार्मिक भावना भड़काने के मापदंड पर एक नई बहस छेड़ दी है। सागर की राहतगढ़ पुलिस ने डॉक्टर राजीव जैन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की शिकायत पर बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बकौल डॉक्टर राजीव, उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं था, बल्कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन की मजम्मत करना था। रंजन जी ने बहुत अच्छा कार्टून बनाया कि अमन पसंद इस्लाम को मानने वालों की आड़ में यह आतंकी संगठन इस्लाम के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे शेयर करने पर राहतगढ़ में कुछ एक प्रबुद्ध जन के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई धार्मिक भावनाएं भड़काने की, और मुझे 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिसके बाद मैं जमानत करा के बाहर आया। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह कैसा न्याय है और यह कैसी धार्मिक भावनाएं हैं। इसका क्या पैरामीटर है धार्मिक भावनाएं भड़काने का, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आता। इस प्रकरण ने एक बार फिर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को लेकर बहस छेड़ दी है। हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई को किसी एक समाज के दबाव के तहत ली गई कार्रवाई करार दिया है। हालांकि इस्लाम के जानकार पुलिस की कार्रवाई को सही करार दे रहे हैं। हिंदू समाज के लिए तो हमेशा कहीं चप्पल में भगवान की फोटो बना दी जाती, कहीं अंतरंग वस्त्रों में भगवान की फोटो बना दी जाती है। ओ माई गॉड जैसी फिल्में सेंसर प्रसारित करने के लिए परमिशन दे देता, तब हिंदुओं की भावनाएं नहीं भड़कती, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होने का प्रशासन प्रयास नहीं करता। हम ये मांग करते हैं कि अगर इस प्रकार की आप प्रतिक्रियाएं देंगे तो हम तो रोज FIR दर्ज कराएंगे। कितनों पे दर्ज करेंगे आप FIR? IS नामक आतंकवादी संगठन पर के प्रतीकात्मक विरोध की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं उसके विरोध को जाहिर करने के। जरूरी नहीं है कि कुरान को बीच में लाकर अपनी बात कही जाए। मैं निंदा करता हूँ इस तरह की चीज़ें, जो है भावनाएं तो भड़काएंगी। सरकार से मांग करते हैं कि हमारे प्यारे मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाले, हमारे मजहब इस्लाम का अपमान करने वाले जो लोग भी हैं, जो तत्व भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। और अगर कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो फिर मजबूरन ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि धार्मिक बहस के बीच कानून के जानकारों ने राहतगढ़ पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराकर इस बहस को और बढ़ा दिया है। इसमें साफ साफ धारा 153 का में लिखा है, किसी जुलूस में जानबूझकर हथियार ले जाने के लिए ये धारा है, और सामूहिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए ये धारा है। ये धारा किसी भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप यदि फेसबुक में किसी ने कोई फोटो शेयर किया है तो आप उसके लिए ये धारा लगा दें और उसको जेल भेज दें। इंडिया फर्स्ट न्यूज का मकसद किसी भी जाति या धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन कब किसी चित्र या फिल्म को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझा जाए और कब धार्मिक भावना भड़काने का सबब, इस पर जरूर एक सही और सर्वसम्मत निर्णय की दरकार है। भोपाल से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता दरक्षा की रिपोर्ट। Subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.